हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आसपा फूड में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ कस्टर्ड सेवई है, जो बची हुई सेवई से बनाने जा रही हूँ। हमारे घर में अक्सर सेवई बनती हैं तो वो बच जाती हैं, इसलिए वो वेस्ट ना जाए और आप उनको दोबारा यूज कर सकती हैं। आइए हम कस्टर्ड सेवई बनाना शुरू करते हैं। गैस ऑन करेंगे और हम एक कढ़ाई ली है हमने, आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। उसमें मैं 300 ग्राम दूध डालूंगी और इसको हम बॉईल होने देंगे। ये हमारा दूध बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें 5 टीस्पून चीनी ऐड करेंगे। चीनी आप जितना पसंद करते हो मीठा उतना यूज कर सकते हैं। इसको हम मिक्स कर देंगे। हम इसमें आधा टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे। इसको भी मिक्स कर देंगे। गैस हम स्लो कर देंगे अभी। अब हम इसमें कस्टर्ड पाउडर मिलाएंगे। ये मैंने वनीला का कस्टर्ड पाउडर लिया है और आधा बाउल दूध लिया है, ठंडा दूध है। इसमें मैं 2 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर ऐड कर रही हूँ और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे जिससे इसमें लम्स ना पड़े। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर करें। ये मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा करके दूध में डालेंगे और मिलाते जाएंगे। ये मैंने सारा कस्टर्ड पाउडर डाल दिया है और हम इसको अच्छे से चला देंगे बॉयल आने तक, क्योंकि जब ठंडा दूध डालते हैं तो उसमें बॉयल आना बंद हो जाती है। इसमें बॉयल आ चुकी है, ये देखिए ये अच्छे से मिल गया है कस्टर्ड पाउडर। इसमें कस्टर्ड पाउडर डालने से दूध में थिकनेस आने लगती है और ये अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें बॉईल की हुई सेवई डालेंगे, ये पहले से बॉईल है। इसको हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, जितनी ज़रूरत होगी हम उतनी सेवई डालेंगे इसमें। इसको हम मिला देंगे। जब ये आपको सेवई डालते हुए इसकी थिकनेस दिखने लगे अच्छी, ये गाढ़ी हो जाए, तब आप सेवई डालना बंद कर दें, क्योंकि हमें ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं करना है इसको। हम उतनी ही सेवई यूज करेंगे जितना, ये देखिए हमने इसमें सेवई डाल दी है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे। किशमिश, काजू और पिस्ता यूज करे हैं मैंने। आप अपने पसंद की कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। हमने गैस ऑफ कर दी है क्योंकि हमारे कस्टर्ड सेवई बनके तैयार है। ये मेरी आधी से भी कम सेवई बची हैं, एक बाउल सेवई थी ये। हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। ये मैंने बाउल में निकाल ली है। हम इसको डेकोरेट करेंगे किशमिश, काजू और पिस्ते से। ये खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं, आप इसको ज़रूर बनाएं। ये देखिए हमने इसको डेकोरेट कर दिया है, आप इसको कभी भी बना सकते हैं और ये सभी को बहुत पसंद आएंगे क्योंकि ये बहुत टेस्टी बनती है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।